जारी कर दी गई है। वहीं बुटनी से शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे तो दतिया से यशोधरा राजे। क्या लगते हैं आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण क्या बनेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे कि काफी मंत्रियों को टिकट काटे जाएंगे और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि एक जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मध्य प्रदेश से जो मुख्यमंत्री रहे हैं और बाबूलाल गौर जो कि 10 बार भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं, उनका नाम अभी तक जो गोविंदपुरा सीट है वहां से सामने नहीं आया है। और ये भी माना जा रहा है कि उनको जब मंत्री पद से हटाया गया था उसके पीछे 75 साल की उनकी उम्र का हवाला देकर उनको हटाया गया था, और जो सरताज सिंह मंत्री थे उनको भी 75 साल का हवाला देकर के हटाया गया था। तो इसलिए ये दो नाम जो बड़े नाम है इनके नाम ना आने से काफी अभी तक कसमकस की स्थिति है। और जो गोविंदपुरा सीट है वहां पर अगर देखा जाए तो भोपाल की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है और काफी ऐतिहासिक जीत वहां से बाबूलाल गौर की रही है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया है। दूसरा ये है कि वहां से मध्य प्रदेश में जो है तो जो नजरें लगी हुई है लोगों की वो मुख्य रूप से उसी सीट पर लगी हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंदौर से भी एक भी नाम अभी निकल करके सामने नहीं आया जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़ा नाम उनका है, और शायद उन्हीं के कारण जो है तो, या फिर लोकसभा अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन है उनके दबाव के कारण जो है तो इंदौर की लिस्ट भी रोकी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो भोपाल के जो मुख्य सीट थी बाबूलाल गौर वाली और जो इंदौर की सीटें हैं अभी वहां की कोई लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी जो 170 नाम की घोषणा की गई है लगभग वही नाम है, बहुत ज्यादा फेरबदल इनमें नहीं किया गया है। कुछ नाम जो है तो पुराने विधायकों के लिए गए हैं और कुछ को हटाया गया है। इसमें गौरीशंकर तेजवार जो वन मंत्री थे उनके जो बेटे हैं मुदित तेजवार उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि गौरीशंकर तेजवार ने खुद ही ये हवाला दिया था कि उनकी अधिक उम्र हो गई है, उसके बदले में उनकी पत्नी डॉक्टर किरण तेजवार या बेटे मुदित तेजवार को दिया जाए, तो जिस पर पार्टी ने भरोसा करते हुए उनको जो है तो मुदित तेजवार को टिकट दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा जो की व्यापम घोटाले में मुख्य आरोपी रहे हैं और साथ ही साथ लगभग काफी लंबे समय तक वो जेल में भी रहे हैं, तो उनका उनको टिकट ना देते हुए उनके छोटे भाई को टिकट दिया गया है।